नोटबंदी के बाद नियमों में हो रहे लगातार बदलाव के बाद आरबीआई ने जनता को राहत देते हुए एक और बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब लोग अपने खाते से 24,000 से ज्यादा रुपए निकाल सकेंगे। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने ये नियम वैध रुपयों को जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इसके साथ ही सैलरी की तारीख नजदीक आने की वजह से आरबीआई ने चेक से निकासी पर छूट दी है। दरअसल पहले निकासी की सीमा निश्चित होने की वजह से कुछ लोग बैंकों में रकम नहीं जमा करा रहे थे। हालांकि निकासी को लेकर आरबीआई ने नई शर्त लागू की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में आज से मौजूदा मान्य नोट जमा कराता है तो वो तय सीमा से ज्यादा भी निकाल सकता है। मतलब ये कि अगर कोई अपने अकाउंट में 10,000 रुपए की मौजूदा करेंसी जमा कराता है तो वो हफ्ते में 24,000 के अलावा 10,000 रुपए और निकाल सकेगा। नोटबंदी के बाद से एक हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए निकासी की सीमा तय कर दी गई थी। वहीं आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंकों को पूरी रकम मुहैया कराई जा रही है। साथ ही आरबीआई ने कहा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। आरबीआई के हर दिन नियम बदल रहे हैं लेकिन लोगों पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। पैसा निकालने और जमा करने के लिए बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की कतारें बढ़ती जा रही हैं और अब इस नए नियम का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जिन्होंने आज से बैंक में पैसा जमा किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।